Hello viewers, welcome to my channel Concept Booster. In this video, we will see the question and the concept related to age related questions. Question को solve करते समय अगर हम present age को x ले रहे हैं, अगर उसमें कहा गया है कि n times, तो हम क्या करेंगे? Simply n की उसमें multiply कर देंगे. तो age क्या हो जाएगी हमारी? N है. Age से related question में क्या होती है? तीन हमारे condition होती हैं. या तो present age पूछेगा, या past, या फिर future. अगर हम present age x ले रहे हैं, तो पास्ट एज क्या हो जाएगी? लेट से अगर क्वेश्चन में बोला है कि 15 इयर्स एगो, देन द 15 इयर्स एगो मींस पास्ट की बात हो रही है, तो एज क्या हो जाएगी हमारी? x माइनस 15. अगर फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी ये कह रहा है आफ्टर 15 इयर्स, तो एज क्या हो जाएगी हमारी? x प्लस 15. अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया है एज का, मान लीजिए ए रेशियो बी, तब उसको हम क्या लेंगे? ए एक्स प्लस बी एक्स लेकर तब उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हम एक्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. क्वेश्चन इज The sum of present ages of father and his son is 60 years. जो उसके पिता की और उसके बेटे की जो present age है, उनका sum क्या है? 60 years. 6 years ago, यानी past की बात चलनी है, 6 साल पहले father की जो age थी वो क्या है? जो son की age है 6 साल पहले, उसके age की 5 times है. 6 years ago, father age was 5 times the age of son. Find the son age after 6 years. तो present age से 6 साल बाद उसकी age क्या होगी? तो future की बात चल रही है, तो इसको देखते हैं question को. Let's say the age of son is x. ठीक है, जो son है उसकी जो age हमने x मान ली. अब son की और father की age का sum क्या है? 60 है. तो father की age क्या हो जाएगी? 60 minus x. Okay. तो यहाँ पर बात कर रहा है 6 years ago. 6 years ago, यानी 6 साल पहले क्या होगा? जो फादर की एज है वो क्या हो जाएगी? 60x minus 6. और सन की प्रेजेंट एज है x, तो 6 years ago इसकी एज क्या होगी? x minus 6. ठीक है, अब क्या है? हम कंडीशन देखते हैं. कंडीशन क्या? 6 साल पहले क्या था? जो फादर की एज थी 6 साल पहले, वो सन की एज से क्या थी? 5 टाइम्स थी. यानी फादर की जो एज है ये 6 years ago, ये क्या है? 5 टाइम्स है सन की एज की. तो क्या हो जाएगा जब हम कंडीशन लगाएंगे इसमें? 60 माइनस एक्स माइनस 6 विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 6. ठीक है, तो अगर हम इसको एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 14. इतनी बात समझ में आ गई. अब ये कह रहा फाइंड सन एज आफ्टर 6 ईयर. अब हमारी प्रेजेंट एज निकल के आ गई सन की, एक्स इक्वल टू 14. अब 6 साल बाद क्या इसकी एज होगी? तो 6 साल बाद क्या एज होगी इसकी? एक्स प्लस 16, क्योंकि प्रेजेंट एज एक्स है, 6 साल बाद क्या होगी? प्लस 6, फ्यूचर की बात चल रही है. तो एक्स प्लस 16, और एक्स की वैल्यू क्या हमारी? 14. तो 14 प्लस 6, तो सन की जो एज हो जाएगी 6 इयर्स के बाद क्या हो जाएगी? 20 इयर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रेशियो बिटवीन एज ऑफ राहुल एंड दीपक इज 4:3. ठीक है, अभी मैंने बताया था जहां पर एज रेशियो आएगा उसको क्या लेना हमें? 4x एंड 3x. तो हम क्या मान लेते हैं? द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड दीपक इज 4x एंड 3x रेस्पेक्टिवली. ओके, आगे क्वेश्चन क्या कहा? आफ्टर 6 इयर्स राहुल एज विल बी 26 ईयर. 6 साल के बाद, यानी फ्यूचर की बात चल रही है, राहुल की एज कितनी हो जाएगी? 26 इयर्स. और राहुल की प्रेजेंट एज क्या ली हमने? 4x. ठीक है, तो क्या होगा 6 साल के बाद? क्या होगा? द एज विल बी 4x प्लस 6, क्योंकि प्रेजेंट एज क्या है? राहुल की 4x. और 6 साल के बाद कितनी हो जाएगी उसकी एज? 4x प्लस 6. और क्वेश्चन में 6 साल के बाद एज कितनी दी है? 26 इयर्स, ये गिवन है हमारे पास. तो कंडीशन क्या हो जाएगी? 4x प्लस 6 विल बी इक्वल टू 26 इयर्स. तो ये हो गया हमारा. यहां से जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 5. अब पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द दीपक्स प्रेजेंट एज? दीपक की प्रेजेंट एज है कितनी? ये दीपक की प्रेजेंट एज कितनी? 3x. और x की वैल्यू हमें कितनी मिली है? 5. तो दीपक की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 3x, एंड x इज 5, सो 3 × 5 दैट इज 15 ईयर्स. सो द एज ऑफ दीपक इज 15 ईयर्स. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें. ऐसी ही एप्टीट्यूड की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.